प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। वाणिज्य कर कमीशन और डिप्टी कमिश्नर पहुंचे मोहम्मदी, व्यापारियों में मचा हड़कंप। सांसद खेल महाकुंभ का हुआ उद्घाटन, श्री कृष्ण पांडे इंटर कॉलेज में आयोजित हुई कार्यक्रम। छात्र को स्टंट करना पड़ा भारी, स्टंट करते हुए गंभीर रूप से झुलसा छात्र। करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत, एक युवक हुआ जख्मी। तालाब पर अवैध कब्जा, कब्जे की शिकायत पर तहसीलदार ने लिया संज्ञान। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार सूबे की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए अग्रसर दिख रही है। यूपी में अगले साल फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर प्रदेश सरकार के सभी मंत्री विदेश दौरे पर है। इसी सिलसिले में शनिवार को यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपनी मैक्सिको यात्रा के दौरान वहाँ के व्यापारियों, उद्यमियों से मुलाकात कर यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस मुलाकात में अक्षय ऊर्जा, फार्मा, खाद प्रसंस्करण को लेकर व्यापक चर्चा की गई। इस बैठक में सभी ने यूपी में निवेश को लेकर सहमति जताई है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ने वहां के राष्ट्रपति एंड्रिस मैनुअल का आभार भी जताया और कहा कि यूपी में स्किल्ड मैन पावर की कमी नहीं है, अच्छी रोड कनेक्टिविटी के अलावा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक शाही जुड़ चुके हैं। तो विवेक, जो ये ब्रजेश पाठक का दौरा है, इसमें क्या कुछ अपडेट है? देखिए ईशा, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो अगले साल फरवरी में 10 और 12 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रही है और उसका पूरा इरादा है जो सूबे की जो अर्थव्यवस्था है उसको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ वो देख रही है। इस सिलसिले में सरकार के कई बड़े मंत्री जो है वो अपने विदेशी दौरे पे निकल चुके हैं। यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी विदेशों का दौरा करेंगे और इसी सिलसिले में जो है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मेक्सिको के दौरे पे गए थे। वहां पे उन्होंने रोड शो भी किया और वहां के बड़े उद्यमियों और व्यापारी संघ के पदाधिकारियों से बात भी की, चर्चा भी की और कई क्षेत्रों में निवेश को लेकर जो है चर्चा भी हुई, जिसमें अक्षय ऊर्जा हो गया, फार्मा हो गया, खाद प्रसंस्करण हो गया। वही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में स्किल्ड मैन पावर की कमी नहीं है, यहाँ पे व्यापार की अपार और असीम संभावनाएं हैं, अच्छी रोड कनेक्टिविटी है, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयरपोर्ट भी है। और वहीं जो है उप मुख्यमंत्री ने यह भी याद दिलाया मेक्सिको को किस तरह से कोरोना काल में भारत ने सबकी मदद की, मेक्सिको की भी भारत ने काफी मदद की थी कोविड के समय। और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की एक अलग छवि जो है वैश्विक पटल पर बनी है। और इस दौरान उन्होंने वहां के राष्ट्रपति एंड्रिस मैनुअल से मुलाकात कर जो है उनका विशेष आभार जताया है और जो वहाँ के इन्वेस्टर्स हैं उनको ग्लोबल समिट के लिए इनवाइट भी किया है और जितने भी वहाँ पे व्यापारी और उद्यमी थे उनको जो है यहाँ पे निवेश करने के लिए मना भी लिया है। और ये अच्छी खबर आ रही है कि मेक्सिको के जो बड़े व्यापारी हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे। तो विवेक, ये इनका 2 दिन का दौरा है, तो कल उनके क्या कुछ कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होंगे? देखिए, आज शनिवार को उनका जो है वहाँ पर दौरा था मेक्सिको में, जहाँ पे रोड शो हुआ। इसके बाद उन्होंने उद्यमियों से बातचीत की, कई पदाधिकारियों से मिले, कई क्षेत्रों पे चर्चा हुई, कई क्षेत्रों पे चर्चा होनी हुई बाकी है, वहाँ के राष्ट्रपति से भी मिले। इन सारी चीजों के बाद वो भारत वापस लौटेंगे और अपने अगले विदेशी दौरे की तरफ देखेंगे। धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विवेक। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को लेकर कैबिनेट मंत्री
डॉक्टर संजय कुमार निषाद की आज मेक्सिको दौरे के दूसरे दिन पर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए मेक्सिको में मेक्सिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में मंत्री संजय निषाद मेक्सिको में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की अध्यक्षता में भारतीय राजदूत पंकज शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। लखीमपुर खीरी में वाणिज्य कर कमीशन और डिप्टी कमिश्नर के मोहम्मदी आने से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद से आनन फानन में लोगों ने दुकानें बंद कर दी। तो वहीं वाणिज्य कमिश्नर ने बताया कि उच्च अधिकारियों द्वारा उन फार्मों की लिस्ट हम लोगों के पास आती है जिनका टैक्स पहले ज्यादा जमा होता था, लेकिन पिछले एक दो वर्षों से कम टैक्स जाने के कारण एक लिस्ट हम लोगों के पास आती है कि किन कारणों से टैक्स कम जा रहा है। तो वहीं व्यापारियों से संपर्क कर उनकी समस्या का समाधान करने के लिए वाणिज्य कर की टीम व्यापारियों से संपर्क करती है। मैनपुरी में पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने जिस तरह से प्रशासन की मदद से समाजवादी पार्टी को हार दिलाने का काम किया है, लेकिन मैनपुरी की जनता ने दिखा दिया है कि यह मैनपुरी समाजवादियों और नेताजी की मैनपुरी है, जहां पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव को भारी मतों से जीत दिलाई है। हम मैनपुरी की जनता को धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तो वहीं पर मीडिया से रूबरू होते हुए मीडिया के सवालों पर कहा कि जिस तरह से सरकार ने कहा है कि चौराहे पर कोई घटना होती है तो दूसरे चौराहे पर घटना करने वाले आरोपी को धराशायी कर दिया जाएगा, तो वहीं पंजाब आतंकवादियों के सवाल पर कहा कि इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके वो मसले उठाती है जिससे समाज में दूरियां पैदा हो, खाई पैदा हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी सौहार्द की राजनीति, मेलजोल की राजनीति जो नेताजी ने सिखाई और जिस तरीके से भाईचारे की राजनीति नेताजी से उसी रास्ते पर चलेंगे। इस तरह के बिलों का कभी भी समर्थन समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती है। इस बिल का पूरा विरोध समाजवादी पार्टी करती है और बाद में हम अपनी पार्टी के लोगों से और बैठ करके बातचीत करेंगे और क्या सुझाव पार्टी की तरफ से आएंगे उनको भी रखेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मैनपुरी के सभी लोगों का, जनों का, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को भारी मतों से जिताया है और जिन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि पिछले कई दशकों से नेताजी ने यहाँ पे जो विकास कार्य किए हैं, जो विचारों को लेके वे चले हैं सबको साथ लेकर, तो और नेताजी को सच्चा सम्मान देने का जो काम किया है और जो सभी लोगों ने जो इतिहास रचा है, मैं सभी माताओं बहनों को धन्यवाद दूंगी जो निकले हैं और जिन्होंने वोट डाला है और जिन्होंने समर्थन किया है मेरा। अलीगढ़ के निवासी युवक को अपनी पत्नी से खाना मांगने की कीमत अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी है। बताया जा रहा है कि मजदूरी करने के बाद जब लक्ष्मण अपने घर पहुंचा तो उसका अपनी पत्नी से कुछ घरेलू कारणों को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद पत्नी अपने ससुराल चली गई और बाद में पति भी उसके पीछे चला गया, जिसके बाद घर के पास से अज्ञात परिस्थितियों से युवक की लाश बरामद की गई जो कि फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर शत विक्षत हालत में पड़ी हुई मिली। पूरा मामला थाना देहली गेट इलाके के नगला मसानी क्षेत्र का है। ये ना ऐसी हमारा भैया आओ खाना खा रो मेरे पास खा रो आधी रोटी आधा पराठा खाई भाभी आई अंदर ते आकर नहीं है तू कुछ फलाना ढिकाना मर के कहने लगे मेरी बहन के पैसा दे मेरे सबके पैसा दे। तो हमारी मम्मी ने कही मेरे से तू मैं नंपे मत करे बिल्कुल नंपे कछु मत कह वह तू अंदर ले जा अपने आदमी तो अंदर कही। इनका घर का मैटर था उन्होंने पराठे खाए काम पे से आकर उसी पराठे के पीछे इसकी घरवाली है ना लड़के की अपने फ्रेंड को कुत्ता कह रही थी तो वो कह रही थी मैं अपनी जीजा के घर जा रही हूँ तुझे वहीं पे बताऊँ। दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ था घर पे तो वो चली गई थी अपने जीजा के यहाँ तो वो पीछे पीछे वो भी चला गया बुला के ले आऊँ चलो हो जाता है झगड़ा मियाँ बीवी में तो वहाँ पर जाकर हाथापाई हुई है दोनों में। साड़ू ने भी मारा है उसको उसकी घरवाली ने मारा है फिर वो घर पे आके अपनी वाइफ को मारता है तो घर वालों ने पीछा कर दिया चल कोई बात है तो उसकी वाइफ गुस्सा होकर जा रही थी फिर साड़ू के यहीं
तो वो चले गई रात को 6:30 बजे जहाँ, तो वो पीछे पीछे चला गया है गुस्से में। और वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं आया रात को, आया ही नहीं है अपने घर पे। मोहल्ला नगला मसानी थाना दिल्ली गेट में एक युवक का शव कल रेलवे ट्रैक पर मिला था, जिसपे सिविल लाइन पुलिस द्वारा पंचायत नामा भर के पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम के बाद जो है परिवारिक जनों द्वारा मौत को संदिग्ध बताते हुए तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके भी योजना प्रचलित है। बंदायू में नगर पंचायत अलापुर के सभासद जितेंद्र कुमार ने वार्ड नंबर 9 से भाजपा से टिकट के लिए आवेदन किया है। उन्होंने भाजपा के जिला महामंत्री शारदा कांत और अलापुर नगर संयोजक सुधीर कश्यप को अपना आवेदन पत्र सौंप कर टिकट की मांग की है। बता दें कि उन्होंने पिछली बार भी भाजपा से टिकट की मांग की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, जिसके बाद वो निर्दलीय लड़े और जीत दर्ज की थी। मैंने आज जो शपथ पत्र दिया है वो इस उद्देश्य से दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का मैं सिंबल लेके चुनाव लड़ना चाहता हूँ। इससे पहले मेरी पार्टी ने मुझे सिंबल नहीं दिया था, तब भी मैंने चुनाव लड़ा था और अधिक वोटों से मैंने जीत प्राप्त की, 303 वोटों से, जो कि दातागंज विधानसभा में पहली जीत रिकॉर्ड मेरी ही हुई थी। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया। इस क्रम में श्री कृष्ण पांडे इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बस्ती मंडल के कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से बस्ती सदर ब्लॉक प्रमुख राकेश श्रीवास्तव, अनुप खरे, भावेश पांडे, जिला युवा कल्याण अधिकारी रोशनी श्रीवास्तव और अन्य लोग उपस्थित रहे। खेल जीवन भी एक खेल ही है और अच्छा खिलाड़ी जो होता है उसके लिए प्रथम शर्त ये होती है कि वो उसके अंदर एक प्रतियोगिता का भाव होता है, आगे बढ़ने की ललक होती है और सबसे खास बात यह है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। वो हार से बहुत ज़्यादा उद्दंड नहीं होता और अगर पराजित हो जाए तो विचलित नहीं होता, आगे का प्रयास। तो सांसद जी का जो प्रयास है माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके विजन के अधीन इस जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों की जो खेल की प्रतिभाएं हैं उनको असर मिलेगा। सांसद खेल महाकुंभ बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक जो नेशनल लेवल पे जो हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसका एक बहुत बड़ा स्टेप है जो हमारे सांसद जी ने लिया है। आपने हमेशा ही सुना होगा कि ओलंपिक में ये बच्चा गया, वो बच्चा गया, जिसको कोई भी नहीं जानता है, किसी गाँव से उठ के जाते हैं बच्चे, तो उनको अक्सर ही बच्चों को कोई स्कोप नहीं मिल पाता जिसपे बच्चे आगे जा सके। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है बच्चों के लिए भी और सबके लिए कि हम एक ग्राउंड लेवल पे जो बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको आगे हम भेज सकते। बिजनौर में एक छात्र का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें छात्र पेट्रोल की बोतल में आग लगाकर स्टंट कर रहा था, तभी स्टंट करते समय छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरा मामला बिजनौर के नागल सौती थाना क्षेत्र का है, जहां स्कूल से छुट्टी मारकर स्टंट करना कुछ छात्रों को महंगा पड़ गया। हरदोई के टडियावा इलाके में दबंगों की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग एक परिवार को दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एक युवक और उसका पिता घर से भागता है और दबंग उसको मारने दौड़ते हैं, तो वहीं पीड़ित ने दबंगों पर चुनावी रंजिश के चलते जाति सूचक गालियां देने और हमला करने का आरोप लगाया है। तो वहीं दबंगों से परेशान परिवार पलायन करने को मजबूर है, साथ ही शिकायत पर पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के मिर्जापुर में कटीले तारों में उतर रहे करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक रास्ते से जा रहे थे, तभी रास्ते में लगे कटीले तारों से 11,000 लाइन का तार टूटकर वहां लगे कटीले तारों पर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
खबर संभल से है, जहां कब्रिस्तान की दीवार को तोड़ने को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में जमकर आक्रोश देखने को मिला। बता दें कि प्रशासन ने जनहित के लिए कब्रिस्तान की दीवार तोड़कर नाला बनाने के लिए निर्देश दिए थे। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों के शवों की अस्थियां निकलने की सूचना मिलते ही सदर विधायक मौके पर पहुंचे और दीवार तोड़ने से रोकने की सिफारिश की। वहीं मामले को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने कब्रिस्तान की दीवार को न तोड़ने के निर्देश दिए हैं। आज यहाँ पे जैसे पिछले 6 महीने से लगातार कहीं ना कहीं अभियान चलते रहते हैं, तो कल हम लोगों ने राय शक्ति पे एक अभियान किया था नगर पालिका की टीम के साथ, और आज चौधरी सराय के पास, कुछ हल्लू सराय के इलाके में और कुछ ये हमारे ऑफिस के सामने के इलाके में यहाँ पे अतिक्रमण हटाए गए हैं। संभल में एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गन्ना मिल के अधिकारी किसानों को धमकाते हुए सुनाई दे रहे हैं। खबर ये भी आ रही है कि अधिकारी किसानों को धमकाकर गन्ने को औने पौने दामों में बेचने पर मजबूर कर रहे हैं। किसानों ने पूरे मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की है। हेलो, नमस्कार साहब। नमस्कार साहब, रात में तो वो चेंज तो भाई ना हमारी पर्ची है? रात में तो मिलना है काऊ की, मिल नहीं रही। हाँ तो मैं क्या करूँ फिर, अब कल लाओ ना लाओ। नहीं नहीं, जब तुझे बता दिया 20 बार तो दिमाग खराब करेगा मेरा। साहब मैं दिमाग खराब नहीं करूंगा, पहले मेरी भी सुन लो आप। एसडीएम साहब को मैंने जैसे आपने कहा कि एसडीएम साहब क्या करेंगे, हाँ मैंने वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अरे तो जो तेरे बस का वो कर लिए। अच्छा समझ गया। हाँ और मुझे फोन ना कर दिया, नहीं धरती में तार दूंगा, बता रहा तुझे। सारा दिन तेरा ही काम करूंगा मैं। जीएम साहब सुनो, मैं किसान आदमी हूँ। किसान है तो पड़ेगा मेरी। अच्छा अच्छा, दलाल है तू? दलाल है, दलाल गन्ना खरीदता है। हाँ दलाल हूँ, ठीक ये दलाल है। हाँ ये, गन्ना ये, बेच रहा है यहाँ ला ला के कहीं से पकड़ कर ट्रॉली। ठीक ये बात सही कहा साहब। हाँ, दलाल है तू? हाँ आप सारा दिन तेरे ही काम में लगा रहूंगा मैं। सर मेरी सुनो, मैं सेंटर की पर्ची सेंटर पे तुलेगी, गेट की पर्ची गेट पे तुलेगी, कहीं चला जा सर, कलेक्टर साहब के चला जा, किसी के चला जा सर, मेरे पास प्रूफ। तू रिकॉर्डिंग खूब कर, ऐसे दलालों को बहुत देखूं मैं। मेरी एक पर्ची थी 18 क्विंटल की जिस छपी थी, मैं मिल गया तो उन्होंने कार्यालय पहुंचा जीएम साहब के, तो उन्होंने बोला कि आप जाइए कल गन्ना ले आइए, 18 क्विंटल पर आपका 75 तुल जाएगा। और पर्चियाँ भी तुल रही हैं वहाँ पर, मान लो अब मैं किसान हूँ तो मुझे तो जाना पड़ा, दलाल तो कर लेते हैं साठ गांठ, वो तो रहती है उनकी। संभल के गांव भुलावई में चौराहे पर बने तालाब पर अवैध कब्जे को लेकर शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई है, जहां कहा गया है कि बीते 5 नवंबर को समाधान दिवस में शिकायत दी गई थी, इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। उसके बाद शिकायतकर्ता ने 19 नवंबर को पुनः शिकायत तहसील समाधान दिवस में दी, जिस पर तहसीलदार मोनालिसा जोहरी ने संज्ञान लेते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। अनिल शर्मा जी हैं, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि तालाब पे लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, और उस अवैध कब्जे के चलते मैं भी थाना दिवस से आया हूं, और हमने इनका अल्टीमेटम इनको दे दिया है, जिन जिनके घर तालाब पे बने हुए हैं अगर इनके पास कोई पट्टा है या कोई कागज़ है वो अपने दिखाया गए तहसील में, और उनको 15 दिन का हमने समय दे दिया है। 15 दिन के समय में अगर ये ना आए तो कोई कागज़ इन्होंने ना दिखाया तो इनके खिलाफ फतेहपुर हसवा ब्लॉक में एक महिला पीएम आवास योजना के द्वारा मिलने वाले मकान की राह कई दिनों से टक रही है। पीड़िता ने बताया कि उसका पति दिव्यांग है और वो उन्हीं के साथ कच्चे और जर्जर मकान में रहने को मजबूर है। उसने आवास के लिए फॉर्म भर रखा है, लेकिन लापरवाह अधिकारी के चलते उसे आवास नहीं मिल पा रहा है। पीड़िता का कहना है कि जब भी वो आवास की बात करती है, अधिकारी उससे घूस की डिमांड करते हैं। साथ ही उसने ये भी कहा कि जिस जर्जर मकान में रहने को वो मजबूर है, उसने उस मकान में अपने बच्चों को नहीं रखा है, क्योंकि उसे डर है कि ये मकान कभी भी गिर सकता है। ऐसा नहीं आया, ये घर मेरा है और इसमें बड़ी समस्या होती है, और बरसात में मुझे बहुत दिक्कत होती है, और बड़े बड़े इधर उधर से सांप आते हैं चारों ओर से, और कच्ची छत है, कभी गिरने की भी संभावना रहती है।
कि कभी गिर ना जाए तो दबने की संभावना रहती, तो मैं इसलिए बच्चों को अपने मायके में मम्मी के यहाँ छोड़ रखी हूँ। और मेरे पति दिमागी संतुलन का भी कमज़ोर है, तो इसलिए मुझे बहुत बड़ी समस्या है। सभी अधिकारियों के पास मैं जाती हूँ तो सब लोग ये बोलते हैं कि हाँ आ जाएगी, लेकिन मैं 5-6 साल से परेशान हूँ, लेकिन आज तक कोई सुनाई नहीं। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।